कंपनी नंबर है जिसको लेके ब्रोकरेज ने फिर से एक बार थम्स अप दिया है। जी हाँ, थम्स अप दिया है ब्रोकरेजेस ने। और एक और चीज़ याद रखिएगा, देखिए मैं अभी इस पर कोई टेक्निकल व्यू नहीं लूंगा, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर साहब इसका चार्ट रखिएगा। 22 जून 2018 तब से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अब ये अपनी लगभग समझ लीजिएगा कि 6 महीने 18 के हो गए, 19, 20, 21 और 22 के 3 महीने, लगभग लगभग 3 साल और 9 महीने का एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल तोड़ने की तैयारी करता हुआ, लेकिन जज करेंगे इसको 170 के ऊपर, 172 के ऊपर। अब आते हैं चार्ट स्कैन पर। कल अगर आप क्रूड एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी को छोड़ दें तो उसके सिवा स्ट्रेंथ कहाँ थी? बलरामपुर चीनी चंबल दो अगर आप देखें, फर्टिलाइजर और साथ ही साथ अगर आप देखें तो शुगर स्पेस में स्टॉक्स थे, इसमें एक स्ट्रांग मूव था। डॉक्टर लाल पैथ लैब में काफी और मेट्रोपोलिस में काफी स्ट्रांग स्विंग था, जीएसपीएल में और साथ ही साथ बैंकिंग में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इसमें काफी स्ट्रांग स्विंग था। एक दो स्टॉक्स और जो कि अच्छा कर रहे थे वो एचडीएफसी ग्रुप के ही, एचडीएफसी लाइफ और मेटल्स में सेल और जीएसपीएल काफी स्ट्रांग थे। राजेश पालवे जी एक बार बताइएगा, चंबल, बलरामपुर चीनी, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, इस एग्रीकल्चर शुगर और फर्टिलाइजर स्पेस में आप क्या ट्रेड करना चाहेंगे? केमिकल में आशीष चतुर्मुता जी टाटा केमिकल्स दे गए, एसआरएफ मयूरेश जी की कॉल पे हम ट्रेवल कर ही रहे हैं, इस बास्केट में आप क्या ट्रेड करना चाहेंगे आज? राजेश पालवे जी। विनय जी देखिए, बलरामपुर चीनी हमने अप्रैल सीरीज का सितारा में ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है और हम इसमें 540 से 555 तक के टारगेट ऑलरेडी यहाँ पे राइड कर रहे हैं, तो हमने सीरीज की शुरुआत में ये स्टॉक को रिकमेंड किया था। तो बलरामपुर चीनी तो एक प्रिफर्ड पिक रहेगा इस जो स्टॉक्स आपने अभी जिक्र किए, लेकिन इसमें चंबल फर्टिलाइजर को भी देखना चाहिए। जिस तरीके से चंबल फर्टिलाइजर के सेटअप बने हैं, वीकली सेटअप देखें, डेली सेटअप देखें, स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ यहाँ पे एक बनी हुई है, हमें लगता है चंबल फर्टिलाइजर भी यहाँ से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं चंबल फर्टिलाइजर में करीब 495 से 505 तक की अपसाइड के टारगेट यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे, करंट लेवल से 455 के आसपास स्टॉप लॉस रखे और ऊपर में हमें लगता है इसमें 505 तक की टारगेट आते हुए दिखेंगे पोजिशनल बेसिस पे। इन्होंने वो एचडीएफसी बैंक के तमाम या एचडीएफसी ग्रुप के तमाम आर्म्स भी हाईलाइट कर रहे थे, एएमसी में अच्छा मूव आ रहा था कल, लाइफ में अच्छा मूव आ रहा था, पर एक स्टॉक जो कल के अच्छे बाजार में लाल निशान में कामकाज करता रहा वो था बंधन बैंक का। बंधन बैंक में दरअसल एक बात ध्यान रखिएगा, ये मेगा मर्जर तो हो रहा है, स्ट्रीट को डर ये लग रहा है कि बंधन बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड का 9.89 मोटा मोटी 10% हिस्सा है, 15.9 करोड़ शेयर। ये मेगा मर्जर से पहले कहीं वो स्टेक बेचने की तैयारी ना हो, वो ओवरहैंग है जो इस समय आपको कल के अच्छे बाजार में भी 0.5% के दबाव के साथ ये स्टॉक नजर आ रहा था। अच्छे अपमूव्स के बाद कल वो टसल था बुल्स और बियर्स के बीच में, वो क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल था। रजत, कैसे अप्रोच करना है क्विकली बंधन बैंक को, दबाव बढ़ने वाला है क्या? देखिए बंधन बैंक का जो नीचे इस लेवल से मतलब 250 के लेवल से जो ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ है कल के दिन, जबकि बहुत सारे काउंटर्स कितना अच्छा मूवमेंट दिया है, ये एक वाइड रेंजिंग डे और उसके एक बड़ा बीच में ओपन और क्लोज रहा है, तो ये संकेत देते हैं ये कि इसका जो अप ट्रेंड है इसमें डिरेक्शनलिटी अभी ये लूज करने जा रहा है, मतलब इसमें ऑलरेडी कुछ हद तक सेलिंग चालू हो गया है और सेलिंग और भी रहेगा, लेकिन जब तक ये 295 290 इसके लेवल इस दोनों सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जाते है, तब तक उतना बड़ा खतरा तो नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि ढेर सारे आपने जैसा इंडसइंड बैंक कहा बहुत अच्छी चार्ट पैटर्न है, तो इसमें रहने से जगह वहाँ पे चला जाना चाहिए, यहाँ पे अगर पोजीशन है तो बुक कर लेना चाहिए। शॉर्ट करें कि ना करें वो तो आपकी डिसीजन होगी, बट शॉर्ट कर भी सकता है कल का हाई के ऊपर में स्टॉप लगा के, बट जनरली अगर लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली इससे निकल जाना चाहिए। ओके चलिए, तो आपने अगर आप देखें एक विकल्प भी बताया रजत दा ने, लेकिन बंधन बैंक पे एक लेवल है।